sell. Did you guys like that jalebi bhai? Yeah, ladies and gentlemen, time is for my next segment. It's called Wedding Must Have. इनकी 20 साल पहले अरेंज मैरिज हुई, शादी के बाद पहली मुलाकात हुई, शादी से पहले एक दूसरे से मिले नहीं थे। चार बच्चे, तीन बेटियां एक बेटा। इनकी जो मिसेज है उनका नाम रिजवाना है और ये कहते हैं कि वो ज्यादा लड़ती हैं। तनवीर सॉरी पहले करते हैं, लड़ते बाद में। लेडीज एंड जेंटलमैन, 20 साल गुजरना कोई आसान काम नहीं होता। हमारा ये सेगमेंट जो है ये उन लोगों के मुतालिक है जिनकी शादी होती है और फिर वो यहां आके बैठते हैं और हमसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर तनवीर आरिफ एंड रिजवाना। अस्सलामुअलैकुम। क्या 20 साल शादी के बाद आदमी इतना ही दूर बैठता है? शादी की तारीख क्या थी आपकी? 19 सितंबर 1991। अगर बहुत जल्दी में कहा 1991 कैसे भूल सकते हैं ना जी। जाहिर एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है लाइफ का, एक टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट होता है जी। तो शादी से पहले क्या करते थे? शादी से पहले एक नॉर्मल लाइफ जो, पर शादी के बाद एबनॉर्मल लाइफ हो गई। शादी से पहले सपने देखते हैं, शादी के फिर बाद में जाहिर है उसको बाहर ताबीर मिली। अच्छा, एक अभी मैं जब पढ़ रहा था तो मुझसे कहा गया कि जी आप लड़ाई करती हैं इनसे काफी, क्यों? ये तो बेचारे मासूम से आदमी है। जो रहता है उसको पता होता आप इनकी शक्ल पे सूरत पे नहीं जाए। अच्छा, ये ऐसा क्या करते हैं कि आपको आप लड़ाई करने लगे? ये कुछ नहीं करते, जल्दी तो गुस्सा आता। इनकी कौन सी आदत आपको सबसे अच्छी लगती है, सबसे जो बहुत अच्छी आदत? सेंसियर हैं और लोग दूसरों का ख्याल करते हैं। दूसरों का ख्याल करते हैं। और सबसे बुरी आदत क्या लगती? बस मुझे टाइम नहीं देता। आपको टाइम नहीं देते तो पूछे कहाँ टाइम दे रहे हैं आप? अपने काम को। इनकी तो मेरी तो सोता है वो, इनका काम। अच्छा, क्या काम करते हैं सर? सर मैं एक एनजीओ में डायरेक्टर हूँ, तो जाहिर है कि उसमें काम बहुत ज्यादा होता है और तकरीबन सारा दिन बल्कि सारी रात भी जो है वो कंप्यूटर पे काम करता रहता हूँ। उसकी वजह से इनको शिकायत होती है, हालांकि मैं टाइम तो काफी देता हूँ उनको, लेकिन क्या लेकिन ये एक्स्ट्रा डिमांडिंग है। नहीं, कहते हैं मर्द शादी के बाद जानबूझ के देर घर से जाते, मतलब घर देर से जाता है, ऐसा है? नहीं, असल में काम का इतना स्ट्रेस है सर कि। सच्ची बताइएगा, शादी के पहले दिन जब आपने इनको देखा था तो क्या महसूस हुआ? फर्स्ट डे कुछ भी महसूस नहीं हुआ असल में। बात यह है कि मैं अपने घर में अकेला भाई था, तो जाहिर है और कोई काम कराने वाला था नहीं। दोस्त तो ये आपकी दुल्हन थी, आपकी बहन नहीं थी। अच्छा, तोहफे में क्या दिया था सबसे पहला? तोहफा क्या दिया था? रिंग पे रिंग। मैंने कोई रिंग दिया था आई थिंक। हर बात में आप इतनी केयरफ्री क्यों हैं? मतलब इच्छो के कोई बात नहीं, मैंने इनको कोई रिंग दिया था? आपके पास वो रिंग है अब तक? रखा हुआ है जी। आपने इन्हें तोहफे में कुछ दिया था? नहीं, ऐसा तो अभी आजकल कोई रिवाज नहीं निकला है कि वाइफ भी दे कोई, वो तो मुंह दिखाई की रस्म होती है। तो आपने भी तो इनका मुंह देखा? नहीं ना। ये क्या किस्सा है कि बेगम को आपने से पहले कभी देखा ही नहीं था, मुलाकात नहीं हुई? असल में मैं अपनी वालदा को बहुत प्यार करता हूँ, तो वालदा चाहती थी कि कोई मतलब वो खुद दुल्हन को पसंद करके लाएं, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर अम्मी ने इनको देखा और फिर मुझे कहा कि भाई मैंने फैसला कर लिया। मैंने कहा ठीक है, हो गया, आपका फैसला करा दो। अच्छा, शादी के बाद पहली लड़ाई कब हुई सच्ची में? मुझे याद नहीं। अगले दिन सुबह तो नहीं लड़ पड़ी थी? नहीं, मुझे याद नहीं। अच्छा, आखिरी लड़ाई, इस शो पे आने से पहले आखिरी लड़ाई कब हुई है?
वो तो सर रोजाना होती है, तो याद ही नहीं है कि कब आखिरी कब। थोड़ा सा हमको नमूना दिखाया यार, थोड़ा सा। आज एक मतलब आप फिर ये देर से आए हैं, इन्होंने आपको वक्त नहीं दिया है, कोई बहुत अहम बात भूल गए, आप इनसे कैसे लगे? कुछ नहीं, मैं तो कोई मैं वो ओवर एक्ट नहीं करती, मैं तो बस बात करना छोड़ देती हूँ, बात ही नहीं करती। खुदा आप जैसी दीजिए तमाम लोगों को दे। मगर ये है कि गलती मेरी हो या इनकी, मगर ये पहले पहल यही करता है, सॉरी यही सॉरी सॉरी क्या, बस मना लेते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। तो मनाते कैसे हैं आप नॉर्मली? मैं इनके कुछ शौक हैं, मिसाल के तौर पर इनको मूवी देखने का शौक है, और इनको कोई मिठाई का भी खाने का शौक है, तो मैं देखता हूँ कि आज क्या इनका मूड होगा, उसी हिसाब से फिर मैं कोई प्लानिंग करके और इनको मना लेता हूँ। अच्छा, नॉर्मली एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करते हैं? नहीं नहीं करते, नहीं ऐसा कोई रिवायती तरीके से तो नहीं करते, बस वो एक दूसरे की जो केयर, मैं समझता हूँ एक दूसरे का जो केयर होती है। फर्ज करें एक मूवी का सेट है, फर्ज करें एक मूवी का सेट है, और इस सेट पे आप दोनों हैं, या आपकी हीरोइन है, आप इनके हीरो हैं, कौन पसंद है आपको हीरो में, एक्टर में कौन पसंद है? वहीद मुराद। मैम आपको कौन सी हीरोइन पसंद है? हीरोइन जी पाकिस्तानी, एनी मुझे तो इंडिया से पसंद है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय तो समझ लीजिए वहीद मुराद साहब और ऐश्वर्या राय। वही साहब ये गुलाब उठा लीजिए, नहीं मुझे नहीं करना है, आपने एक काम करें आप यहाँ आइए मेरे साथ आइए, आइए आइए। ये लड़का अच्छा नहीं है, बहुत मना किया और ऐसे सामने देखिएगा। अच्छा सर आप यहाँ से आइए, करना क्या है अब आपको मैं क्या बताऊँ, आप तो अच्छे खासे माहिर आदमी हैं, वहाँ से जाइए। थैंक यू, यहाँ से सर आपको आना है, अगेन इजहार मोहब्बत करना है, 1 2 3 एंड गो। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ आपके साथ? ये माफ रहे आज मौसम बड़ा अच्छा है, आसमान पर बादल छाए हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, बरसात भी होने वाली है, और मौका भी बड़ा अच्छा है, गुलाब भी मेरे हाथ में है, क्या मैं आपसे, आपको समझ में आ रहा है ना ये घर क्यों नहीं आते? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ बैठ जाऊँ प्लीज? जी जी यार तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो भाई? तुम जाओ अपना काम करो यार, बहन है मेरी। बीस साल एक ऐसा अर्सा होता है जिसमें खोटे और खरे की पहचान तो हो जाती है, अच्छे और बुरे का पता चल जाता है, लेकिन 20 साल के बाद भी अगर दोनों के एक साथ हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक है कि सिवाय मोहब्बत के और इस बार के कोई और रिश्ता दरमियान में नहीं, लिटरली प्यार और मोहब्बत से इस बार से सब कुछ हो सकता है। सर दिस इज फॉर यू, बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए, एंड मैम दिस इज फॉर यू। आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे एंड करूं, जब ये शुरू हुआ था सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट था, अभी जब खत्म हो रहा है तो थोड़ा डिफरेंट है, पर मैं सिर्फ एक ही दुआ करता हूं, हमें कहीं ना कहीं प्यार जरूर छुपा होता। आज मैं आपसे एक बात शेयर करता हूं, अपनी जिंदगी की बात शेयर करता हूं। मेरे पास भी एक मकाम ऐसा आया कि जहां मुझे भी नहीं पता था कि क्या होना, लेकिन फिर मुझे कोशिश खुद ही करनी पड़ती, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कोई भी नहीं करेगा। रही बात शादी की, रही बात मोहब्बत की, तो अगर हम बहुत गौर से देखें, बहुत करीब से देखें, तो मोहब्बत मिली जाती है।
आई डोंट नो सर हाउ यू फील, आई डोंट नो हाउ यू फील मैम, बट समहाउ मुझे लगता है अगर आप लोग थोड़ी डेटिंग सेटिंग शुरू करें ना, तो आप लोग 5 साल बाद यही कहेंगे कि 25 साल के बाद भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक दूसरे के साथ ही रहूं। इसकी इब्तदा मैं कर देता हूं सब मेरी तरफ से, लेकिन शर्त यह है कि आप दोनों को जाना पड़ेगा। शर्त यह जब आपने एक दूसरे को मुकम्मल किया। पक्का पक्का, थैंक यू। हम सारी जिंदगी उम्रों में जीने की कोशिश करते हैं, सालों में जीने की कोशिश करते हैं, कभी कभी पूरी उम्र में जीने के लिए एक लम्हा भी नहीं मिलता, और कभी कभी एक लम्हे में हम कई कई उम्रें जी जाते हैं। इसी का नाम मोहब्बत है, इसी का नाम जिंदगी। विल बी राइट बैक। वो लोड शेडिंग में पाकिस्तान को महसूस कर रहा है, वो करप्शन में पाकिस्तान को महसूस कर रहा है, वो बस को पकड़ते हुए पाकिस्तान को महसूस कर रहा है, वो बिजली